हेलो स्टूडेंट, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजयवस्ती। सब आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब पूरा देश 74वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है तो पूरे गर्व के साथ हम कहते हैं जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, डायग्राम हमने बना लिया है, डायग्राम के साथ में क्वेश्चन पढ़ता हूं, वो आपको आगे दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन का कह रहा है, किसी मकान की निचली खिड़की भूमि से 2 मीटर की ऊंचाई पर है। आप देख रहे हैं एक मकान है, मकान की खिड़की जो है क्या है, 2 मीटर ऊंचाई पर है, पहली खिड़की जो है, तथा उसके ऊपरी खिड़की निचली खिड़की से ऊर्ध्वाधर 4 मीटर की ऊंचाई पर है। दूसरी खिड़की जो है, जो कि हमने कहां बनाई है, एफ पे, ये कहां है, 4 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की, इस तरफ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 मीटर पर पहली खिड़की है, दूसरी खिड़की क्या है, 4 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, किसी क्षण इन खिड़कियों से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तो देखिए गुब्बारा है एक हमारा जो ऊपर उड़ रहा है, और उसका उन्नयन कोण जो है नीचे वाली खिड़की से 60 डिग्री है, और जो दूसरी खिड़की है उससे 30 डिग्री का मापा जाता है। प्रेक्षित क्रिया क्या, ठीक है, भूमि के ऊपर गुब्बारे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले अगर आपका डायग्राम अच्छे से बन गया, आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस मेजरिंग क्या होता है, कि अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो पहली जगह आपने तभी जीत लेते हो, ठीक है ना। डायग्राम अच्छे से बन गया तो क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो डायग्राम बनाना आना चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए 2 मीटर ऊंचाई, सबसे पहले आप समझ लीजिए बीसी क्या है, एक मकान की पहली खिड़की है, ये कितने 2 मीटर ऊंचाई पर है। तो इसके पैरेलल अगर हम आएंगे तो आप समझिए 2 मीटर कुछ ऊंचा होगा इस टाइप से, तो उसके साथ साथ दूसरे की भी लंबाई अगर हमारी 2 मीटर है तो उसकी ऊंचाई तो बराबर ही आएगी, 2 मीटर है तो 2 मीटर ही होती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में पैरेलल में अगर हम चले तो ये ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं ए ई बराबर बीसी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड चलते हैं, इससे ऊपर एक और खिड़की है मकान की जो कि डी पर है, वो पहली वाली खिड़की से 4 मीटर ऊंची है, तो इसके साथ साथ भी अगर हम देखें तो यहां पर भी 4 मीटर ऊंचाई बढ़ जाएगी जो गुब्बारे वाली साइड है। अब यहां से यानी जो गुब्बारे की एक्चुअल जो हमें हाइट निकालनी है, मकान की जो दोनों खिड़कियों सहित लंबाई आ गई 4 + 2 = 6, वो दोनों तरफ आपकी वही बनेगी। इससे ऊपर अगर हम एच ऊंचाई निकाल लें, यानी एफ जी अगर हहम निकाल लें और उसके अंदर 4 + 2 ऐड कर देंगे, तो आपके टोटल जो है गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज हम लेते हैं ट्राइंगल जी एफ डी में, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज जी एफ डी में क्या होगा, जी एफ डी में देखिए क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर जो बेस जो हमने दूरी जो मानी है ये क्या है, एक्स मानी गई है, क्या मानी गई है, एक्स मानी गई है। तो देखिए क्या होगा, टेन में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी जी एफ अपॉन बेस क्या है, एफ डी। अब टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, तो यहां से 30 डिग्री रख देते हैं, तो क्या हो जाएगी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू जी एफ की वैल्यू क्या है, h मानी है, तो h अपॉन एफ डी क्या है, x मानी गई है, x हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू रखता हूं 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3h, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो यहां से क्या करेंगे, ये हमने क्या बना ली, इक्वेशन नंबर 1 बना ली है। सेम इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज पर चलते हैं, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा रहेगा आपका, जी ई सी। अब दूसरे ट्रायंगल पर चलते हैं, ट्रायंगल जी ई सी में अब देखिए क्या होगा, फिर से क्या होगा, टेन थीटा ही हमें लगाना है क्योंकि हमें ऊंचाई नापनी है, तो जी ई परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ई सी। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू जी ई अपॉन ईसी। अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर इस वाले त्रिभुज के लिए थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, 60 है, तो यहां पर टेन 60 रखेंगे, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है,
जीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीई की वैल्यू हो जाएगी आपकी जी एफ प्लस एफ ई, ठीक है, क्या हो जाएगी जी एफ प्लस एफ ई अपॉन बेस क्या है सीई की वैल्यू क्या है एक्स, यहां पर इसकी वैल्यू रख देता हूं वन अपॉन क्या होती है सॉरी अंडर रूट थ्री होती है, तो जीई की वैल्यू क्या है हमने एच मानी है तो एच मान लेते हैं प्लस ई एफ की वैल्यू क्या है, ई एफ की वैल्यू क्या है फोर मीटर, तो ये फोर हो जाएगी अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एच प्लस फोर अंडर रूट थ्री, ठीक है ये वैल्यू हो जाएगी, यानी यहां से ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में रख दूं, यानी x का मान समीकरण एक से दो में रखने पर, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू क्या था आपका x इक्वल टू क्या था h प्लस फोर अंडर रूट थ्री, अब यहां से ये वैल्यू रिप्लेस किससे कर देनी है अंडर रूट थ्री एच से, तो क्या हो जाएगी अंडर रूट थ्री एच इक्वल टू एच प्लस फोर अपॉन अंडर रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट थ्री के अंडर रूट थ्री में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा थ्री, यानी थ्री एच इक्वल टू एच प्लस फोर, अब क्या करेंगे एच इधर प्लस है इधर से क्या करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, तो थ्री एच माइनस एच इक्वल टू फोर, थ्री एच माइनस एच से अगर करते हैं तो क्या बनेगा हमें टू एच इक्वल टू फोर, और यहां से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर अपॉन टू डिवाइड करने से टू मीटर, तो यानी एच की जो वैल्यू है वो क्या गई आपकी दो मीटर, यहां से ये क्या हो गई दो मीटर। अब हमसे ये पूछा गया है कि पृथ्वी से गुब्बारे की ऊंचाई क्या है, तो देखिए गुब्बारे की ऊंचाई क्या है, गुब्बारे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, यानी देखिए ए बी सॉरी ए ई प्लस ई एफ और प्लस एफ जी, यानी देखो ए ई की वैल्यू क्या है दो प्लस ई एफ की वैल्यू क्या है चार और प्लस एफ जी कितनी आ गई, तो अब कितनी होगी टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स प्लस टू इक्वल टू एट, यानी एट मीटर, यानी टोटल हाइट जो है ये कितनी आ जाएगी, कितनी ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है आपका आठ मीटर की ऊंचाई पर। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।